आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ये देखिए हमारा कितना बेहतरीन सा दम हो गया है, पूरा तेल ऊपर आ गया है और सालन हमारा रेडी हो गया है। वेलकम टू आमराज किचन। आज हम अपने किचन में एक बहुत ही मज़ेदार और ट्रेडिशनल डिश बनाने जा रहे हैं, वो है हैदराबादी बघारे बैंगन। बहुत ही मज़ेदार डिश होती है, बहुत पसंद की जाती है, बहुत मशहूर डिश है। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो कुछ यूँ हैं। एक किलो मैंने बैंगन लिए हैं, ये देखिए छोटे छोटे से बैंगन हैं, बहुत कॉले से हैं और इसके अंदर बीज वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने इसकी डंठल थोड़ी सी काटी है और इस किनारी काट के इसको कट लगा ली है और कट लगा के मैंने इसको नमक के पानी में भिगो दिया है। सीज़न में है अभी बैंगन, हरे बैंगन, और ये बहुत छोटे छोटे से, बहुत नॉर्मल साइज़ के, बहुत ही अच्छे कॉले से हैं, ठीक है। तीन डली प्याज ली है मैंने, इसको मोटा मोटा काट लिया है। हरी मिर्ची दम पे जाएगी, 5 से 6 अदद है। इसमें जो मसाले जाते हैं वो कुछ यूँ हैं कि खोपरा है 4 टेबल स्पून। मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स इस चम्मच से नापे हैं, 4 टेबल स्पून खोपरा है। तिल है 3 टेबल स्पून, मूँगफली है 3 टेबल स्पून, धनिया है, गोल धनिया ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ज़ीरा मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, मिर्ची ली है मैंने 1.5 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़ायका या 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। ये बघार की चीज़ें हैं जिसके अंदर देखिए 6 से 7 अदद गोल लाल मिर्चें हैं, कलौंजी है आधी चाय की चमची, राई है, 1 चाय की चमची ज़ीरा है सफ़ेद, कड़ी पत्ता है कुछ, और एक बीच में आपको छोटी सी चीज़ नज़र आ रही होगी, यह है मेथी दाना, ये छुप गया है, मेथी दाना है 1/4 चाय की चमची। ये सारा सामान बघार का है। इसके अलावा इसके अंदर इमली जाएगी, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून इमली ली है मैंने। अब मैं इसका गूदा निकालूंगी तो फिर ये पल्प तैयार हो जाएगा इसका। 1 कप बड़ा तेल लिया है मैंने, अदरक लहसुन लिया है 2 टेबल स्पून। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम चंद मसाले जो हैं इसमें वो पहले हम रोस्ट करेंगे और रोस्ट करके उसका पीस के एक पेस्ट बना लेंगे, जिसमें खोपरा, तिल, मूंगफली, धनिया और ज़ीरा, इन तमाम चीज़ों को मैं रोस्ट करूंगी और रोस्ट करने के बाद इसको पीस के इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। चलिए फिर इसको हम रोस्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा और धनिया, ठीक है, उसी के साथ तेल और मूंगफली। खोपरा मैं थोड़ी देर में डालूंगी, जब भी थोड़ी चीजें आधी हो जाएंगी ना, आधी रोस्ट हो जाएंगी, उसके बाद में ये खोपरा पाउडर डालूंगी, ओके, वरना ये जल्दी से हो जाता है ये, अगर मैं इसको इसके साथ ही डाल दूंगी तो ये जल जाएगा और बाकी चीज़ें होने में थोड़ा टाइम रहेगा, इस वजह से पहले मैं इनको रोस्ट कर लूँगी हाफ, और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, हाफ रोस्ट हो जाएंगे, फिर मैं खोपरा शामिल करके उसको रोस्ट करूँगी। अब खुशबू आने लगी है मसाला भुनने की, ज़ीरे की और तिल की। अच्छा, मैंने थोड़ा सा गहरा बर्तन इसलिए लिया है क्योंकि जब तिल भुनने लगती है तो वो उछलती है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा गहरा बर्तन लिया है कि वो उसी के अंदर है। अब इस टाइम पे मैं खोपरा डालूंगी, खोपरा जल्दी से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा और कितनी खूबसूरत भुन गया है, बस अब मैं इसको निकाल के और इसको पीस लूँगी। अच्छा, उस भगोने में से मैंने मसाला निकाल लिया है सारा, और उसी भगोने में मैं 1 टेबल स्पून तेल डालूंगी। और प्याज जो है उसको हम कच्चे पक्के फ्राई करेंगे। देखिए हमारी कच्ची पक्की प्याज अच्छे से भून रही है, थोड़ा सा ये अपना रंग तब्दील कर ले, शायद से गुलाबी हो जाए, तो आप हम इसको
निकाल के और उसका पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मसाला मैंने पीस लिया है। अब उसी अदरक लहसुन में से थोड़ा सा अदरक लहसुन में डालूंगी इसके अंदर और थोड़ा सा नमक शामिल करूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूंगी। इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची भी शामिल कर रही हूँ, सही है, और जरा सी हल्दी भी शामिल कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको भी। देखिए मज़ेदार सा ये एक पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसको भरना शुरू करती हूँ। पानी में थे तो इस तरह आप थोड़ा सा इसको झटक लें और फिर इसका मुंह खोल के थोड़ा थोड़ा मसाला आप इसमें भर लीजिए। भर के और इसको रखते जाइए। ये देखिए इसके अंदर आप मसाला भर लीजिए किसी भी चमचे की मदद से। थोड़ा थोड़ा आप मसाला इसके अंदर भर लें और भर के आप इसको रखते जाइए। इसी तरह मैं सारे मसाले भर के फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बता दें। आखिरी बैंगन है, अच्छे कौले बैंगन है, मज़ेदार, मसाले भी बहुत टेस्टी है। थोड़ा सा मैंने लगाते लगाते चखा है, बहुत मज़ेदार मसाला है। ये देखिए मैंने सारे बैंगन भर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है वो कर भर लिए हैं। तमाम बैंगन भर के तैयार हो गए हैं। बाकी मसाला जो बचा हुआ है वो ये है, प्याज मैंने पीस ली है। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे, गरम भगोने में मैं तेल डालूंगी। तेल अगर आपके पास सरसों का हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो भी कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं बनाइए, लेकिन सरसों के तेल में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस सालन में थोड़ा सा तेल ज्यादा पड़ता है, तो देखिए एक बड़ी प्याली मैंने तेल लिया है, बाउल ले लीजिए, एक बड़ा बाउल मैंने तेल लिया है। अब मैं इसके अंदर ये बघार का सामान डालूंगी सारा, जिसके अंदर है राई, कलौंजी, मेथी दाना, जीरा, लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा बघार तैयार हो रहा है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी फ्राई हो रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस जरा सा और फ्राई होगा, इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से कड़कड़ा ली हैं। ज़ीरा देखिए बहुत खूबसूरत सा ब्राउन कलर आया है। मिर्ची भी हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई है और तमाम मसाले। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी प्याज, साथ ही हम अदरक लहसुन भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा अदरक लहसुन मैंने रोका है क्योंकि मुझे इसकी क्वांटिटी काफ़ी लग रही थी। ये देखिए हमारी प्याज भुन गई है, अच्छी सी गोल्डन कलर आ गया है इसका। ये देखिए हमारी प्याज बहुत अच्छी फ्राई हो गई है। अब मैं इसके अंदर बैंगन शामिल करूंगी। देखिए अब ये बैंगन फ्राई होंगे इसके साथ, प्याज के साथ। ये देखिए अब हम इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे।
सारे बैंगनों को। ये देखिए हमारे बैंगन कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। इसी के साथ मैं मिर्ची, नमक और हल्दी भी शामिल कर दूंगी। मसाले के साथ ही अच्छे से फ्राई होंगे। ऑयल चूंकि ज्यादा है तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। देखिए बैंगन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बैंगनों का कलर चेंज हो गया है और हमारा बाकी मसाला भी भून गया है। अब हमें जो बचा हुआ मसाला था वो डालेंगे और इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भुना हुआ है। बस हम इसको मिक्स करेंगे और जो इमली का गूदा है साथ में वो भी शामिल कर देंगे। देखिए अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है सारा मसाला, इमली का पल्प और बहुत अच्छा कलर आ रहा है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब आ रही है। अब इसके अंदर मैंने बस वही मसाले वाला कटोरा जो है वो साफ किया है और वही पानी में मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बस इसी में बैंगन पकेंगे और ये थोड़ी सी देर में, बैंगन तो थोड़ी सी देर में ही गल जाते हैं, तो ये जब बैंगन अच्छे से गल जाएंगे हम इसको दम लगा देंगे। सारा पक रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। इस मोमेंट पे मैं थोड़ा सा ही गुड़ डालूँ। गुड़ डालने से ये होता है कि इसके जितने भी मसाले हैं ना वो तो सारे इन्हेंस हो जाएंगे, बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका जो है ना तमाम मसालों का वो आएगा, सब मसाले अपना अपना टेस्ट पूरा देंगे। बस अब आप इसको हिला लें और हिलाने के बाद आप इसको गलने के लिए छोड़ दें। 5 से 7 मिनट बाद हम इसे देखेंगे, जब हमारे बैंगन गल जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर मिर्ची डालकर उसको भून लेंगे। ये देखिए हमारा कितना बेहतरीन सा दम हो गया है, पूरा तेल ऊपर आ गया है और सालन हमारा रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए हमारा माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन और शानदार सालन तैयार हो गया है, तेल पूरा ऊपर आ गया है, बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बैंगन, क्योंकि साइज़ में बिल्कुल नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। मसाला थोड़ा सा नीचे बैठेगा तो आप उसको हल्का सा हिला के निकालिए ताकि आपके बैंगन भी ना टूटे और मसाला भी नीचे से प्रॉपर आए। देखिए बैंगन बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट गले हुए हैं और बहुत मज़ेदार हैं। ये देखिए सालन बहुत ही लाजवाब तैयार हुआ है। साथ में हम मिर्चियाँ भी निकालेंगे, मिर्चियों के अंदर भी पूरा टेस्ट आ गया है मसाले का, मिर्चियाँ भी बहुत मज़े की हो गई हैं। ये देखिए हमारा बेहतरीन सा सालन रेडी है। थोड़े से एजेस इसके साफ कर लेंगे हम। ये देखिए नहायत ही खुश शक्ल खुद जायका सालन तैयार हो गया है बघारे बैंगन। आप इसको बिरयानी के साथ, हैदराबादी जो बिरयानी होती है उसके साथ एंजॉय कीजिए, कबूली के साथ एंजॉय कीजिए या सादे बॉयल्ड राइस के साथ भी आप इस्तेमाल खा सकते हैं इसे। बघारे चावलों के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं।
बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, या साथ ही रोटी पराठे के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। आपको जितनी क्वांटिटी यूज़ करना है उतनी ही आप निकालिए और एक ही वक्त में वो कंज्यूम कर लीजिए। वापस झूठा आप उसको दोबारा भगोने में नहीं डालिए, फिर वो बाकी सारा ख़राब हो जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, नाश्ते में बहुत मज़े का लगता है, आप पराठे के साथ या रोटी के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।